अहरमानी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान शकील अख्तर और हमारा जाना पहचाना प्रोग्राम रोशनी। रोशनी से मुराद वो रोशनी जो हर सौत किताब तहरीर और कलम से फूटती है, वो इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है। बहुत सारी किताबों पर हमने गुफ्तगू की और बहुत काबिल सताइश तहरीरें हम तक पहुँची इसकी तारीफ़ में, ख़ासतौर पर मज़ाफ़ात में रहने वाले जिन्होंने किताबों को अपना उड़ना बिछोना बनाया हुआ है, उनसे भी हमारा रब्ता हुआ। बहुत से मौजूदात को हमने अपने इस प्रोग्राम का मौजू बनाया, उसमें नावल पर भी हमने गुफ्तगू की, लेकिन आज मेरे हाथ में जो नावल है वो ज़रा सा मुख्तलिफ है और जिसकी वजूहत अभी आप तक पहुँच जाएंगी। इस नावल का नाम है पशेमा चाहते और ये जिसकी तहरीर है उसका नाम बाद में बताऊंगा, पहले शेर सुन लीजिए कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। जनाब अज़ीज़ एजाज़ साहब बहुत अच्छे शायर, इनसे भी पूछते हैं कि इतने अच्छे शायर होने के बाद इन्होंने ये पशेमा चाहते क्यों लिखी। बहुत शुक्रिया अज़ीज़ एजाज़ साहब हमारे मेहमान हैं और उनके साथ एक बहुत मुतबर और इल्मी शख्सियत, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ रहे, शुजात अली राही साहब, मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रोफेसर, माहिर तालीम, ज़िंदगी के बहुत से शोबे इन्होंने गुजारे हैं और जितना कुछ इनके पास है वो उन्होंने माशरे को तकसीम कर दिया। किताब से बहुत गहरा रिश्ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस किताब पर अकादमी अदबियात पाकिस्तान के एक शुमारे में इनकी तहरीर मौजूद है, जो अज़ीज़ एजाज़ और रोमान की खुश रंगवादी। चलिए इन दोनों मौजूदात पर हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब खुश आमदीद अज़ीज़ एजाज़। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। और सर बड़े आप हमारा एजाज़ है कि आप तशरीफ़ लाएँ। इतने अच्छे शायर होने के बावजूद, इतनी अच्छी शायरी करने के बावजूद, वो भी किताबें आपकी बहुत मशहूर हैं, इस किताब की ज़रूरत क्या थी? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा एक सवाल किया और मेरी मुश्किल आसान कर दी। असल में आपकी बात सही है कि मेरी बुनियादी शनाख्त तो एज ए शायर ही है, लेकिन शकील साहब मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर में पढ़ता था और उस ज़माने में फिर हमने रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्रामों में शिरकत करनी शुरू की, यूनिवर्सिटी मैगज़ीन और जमा साल प्रोग्राम एक होता था, मुसर रज़ा अफंदी साहब उसके प्रोड्यूसर होते थे, मुश्ताक शबाब और क्या क्या लोगों के नाम है। तो उन उस सिलसिले में उस वक्त मैं ये नावल वग़ैरह, आपको पता है कि मैट्रिक के बाद लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, और तो मुझे नसर लिखने का भी शौक़ था। और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि मेरे दो अफसाने कराची से छपने वाले एक हफ्तरोज़ा में, जो कि बड़ा अच्छा मैगज़ीन था, बड़ा उस वक्त प्रेस्टीजियस मैगज़ीन, उसमें शाया हुए। कितना अरसा ज़िंदगी का आपने पीटीवी पेशावर को दिया? मैं जी 32 साल मैंने सर्व किया जी, और जैसा आपने अभी कहा कि वहाँ पर इतनी हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी होती कि हम 24-24 घंटे लगातार काम के, मैंने तकरीबन 10-12 तो सिर्फ नेटवर्क के ड्रामा सीरियल्स किए, जो कि मेरा ख्याल है शायद एक मैं संभल के बैठ गया हूँ। नहीं, आप इजी रहे, हम दोस्त भी हैं। तो बहरहाल वो चूँकि वो एक सिलसिला था, मैंने शोज़ किए, मैंने मौसीकी के प्रोग्राम किए, लाइव शोज़ किए, मैगज़ीन प्रोग्राम्स किए, स्टूडेंट्स के प्रोग्राम्स किए, डॉक्यूमेंट्रीज़ की, तो बहरहाल वो शायरी तो मेरे साथ रही, मैंने शायरी को नहीं छोड़ा। हालांकि उसमें ये भी तकाजा था कि मैं शायरी को भी तज देता, लेकिन वो मैंने इतना मुश्किल काम है प्रोडक्शन का? नहीं, मुश्किल अपने लिए ख़ुद बनाते हैं। देखिए, जब आपको एक चैलेंज आपके जहन में होता है, जब आप एक शनाख्त का होता है, और फिर यह है कि आपसे तवक्को बढ़ती जाती है। मेरे साथ ये हुआ कि मेरा पहला ड्रामा सीरियल जो था वो पश्तों का था, जंदी अक्सुना, इकबाल मोहम्मद इकबाल हमारे बड़े अच्छे शायर थे पश्तों के, मर्दान से उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने लिखा था। तो वही मेरा सीरियल इतना हिट हो गया कि फिर वो मेरे से नाज़रीन की तौक़ात, फिर मैंने झूठ की आदत नहीं जैसा सीरियल भी किया, इन्हीं पत्थरों पे चल के और चिंगारियां, दूसरी दस्तक,
तो 10-12 मैंने ड्रामा सीरियल्स किए। तो माशाल्लाह शादीशुदा घर, फैमिली, बच्चे। जी हाँ, मैं सुबह जाता था तो वो जा चुके होते थे, रात को आता था तो वो सो रहे होते। वो किसी ने पूछा था कि आपके बच्चे कितने बड़े, उन्होंने कहा कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। उन्होंने कहा बच्चों का तो कद होता है ऊपर नीचे, जब मैं जाता हूँ सोए हुए होते हैं, आता हूँ तो सोए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो मैंने शायरी तो, लेकिन नसर फिर मुझे 2018 में मेरा मूड बना तो मैंने फिर 3 नावल लिखे। और इसमें नहीं, एक मिनट, शायरी की कितनी किताबें छपी? 3 छप चुकी हैं जी। पिंदार नहीं, मुलाजमत के दौरान जी, सारी मुलाजमत के दौरान ही छपी। ये भी ये बाद में। अच्छा, पिंदार, पिंदार, सारे मौसम, तेरे नाम और ख्वाब और मौसम, 3 किताबें भी छपी। हाँ जी, नौकरी भी की आपने, ड्रामे भी प्रोड्यूस किए, बच्चे भी पाले। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ, इसमें मजीद बातें। शजात अली राही साहब बहुत नफीस इंसान है, बच्चों को पढ़ाया है, लहजा की मतानत बता रही, इतनी मतानत और इतनी संजीदगी के बावजूद आपने इंतखाब क्यों किया अजीज़ एजाज़ का कि इस पर लिखा जाए, इस पर बात की जाए, कोई ख़ास लगाओ इस? एक तो इनकी शख्सियत का ताल्लुक है कि इनकी जो भी बात है, कंद है, नवात है, बड़े खुश आहंग हैं, जैसे आप देख रहे हैं, खुश कलाम हैं, खुश सुखन हैं। और वैसे भी अहले पेशावर की ये रिवायत है कि वो बड़ी खुश कलामी और खुश अंदाजी से पेश आते हैं। तो वह मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने शायरी की है और हम शायरी में उनके फ़ैन रहे, लेकिन फिर पता चला कि उनके कुछ नावल भी छपे हैं। अचानक पता लगा। इस एतबार से मुझे अदबियात वालों की तरफ से एक खत आया, वो आया कि इस पे कुछ लिखना है। तो फिर मैंने इस किताब को उठाया तो मुझे इनके बारे में कुछ ज़्यादा खुशफहमी नहीं थी, क्योंकि मैं ये समझता था कि ये ऐसे ही हैं, शायर तो बहुत अच्छे हैं, प्रोड्यूसर भी बहुत उम्दा हैं, लेकिन ये बस एक और किताबों की तरह, और नावलों की तरह ये भी एक रूमानी सा नावल होगा। लेकिन जूं जूं मैं इसको पढ़ता गया तो मुझ पे इनके औसाफ खुलते चले गए। राही साहब, आपका एक एक जुमला जो है ना, सनद है। कैमरे पे कह रहे हैं, दुनिया सुन रही है, ऐसा ना पशेमान चाहतों के बाद कामयाब चाहतों की एक सीरीज आ जाए, ये भी जहन में है जी। नहीं, वो जब मैंने देखा ना, इसमें जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे नज़र आई वो इनका फ़नी तवाज़ुन है। मतलब अगर आप अजाए तरकीबी देखें नावल के तो वो क्या हैं, प्लाट है, किरदार है, इनका जो प्लाट है वो बड़ा मरबूत है। अच्छा, फिर प्लाट के बाद आप देखें तो किरदार निगारी होती है, किरदारों के इंतखाब, किरदार निगारी के मामले में ये बहुत हकीकत पसंद हैं। इन्होंने ज़िंदगी से जुड़े हुए किरदार, ज़मीन से जुड़े हुए किरदार, अपने माहौल से जुड़े हुए किरदारों को चुना जो हकीकत में एग्जिस्ट भी करते थे, और उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा अपने तौर से। और इसके अलावा फिर उसका जो बहाव है किताब का वो बहुत खूबसूरत है। यानी आप यूँ समझिए कि एक सुबक रौ नदी है जो बहती चली जा रही है। फिर उनकी जो मकालमे हैं उनमें बहुत तासर है, मुख्तसर मकालमे हैं, हसब हाल हैं, और किरदार की नौईयत को ज़्यादा वाज कर देते हैं। आम तौर से होता ये है कि बाज़ नावल नगार ख़ुद किरदार के बारे में बहुत कुछ बता रहे होते हैं, जबकि अज़ीज़ एजाज़ साहब का कमाल ये है कि इन्होंने ना जो किरदार हैं उनके अमल से, उनके रद्द अमल से, उनकी गुफ्तगू से, उनके मुकालमे से, उनकी उनके बारे में हमें बताया है। और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये किताब आपको ख़ुद लेके चल रही है, उंगली लेके आपके आगे बढ़ा रही है। यानी इस इनके किरदार आपके साथ गुफ्तगू करते हैं, आप उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, और आपको अंदाज़ा होता है कि ये हमारे माशरे से उठने वाले चंद किरदार। क्राफ्टमैनशिप कितनी है राही साहब इसमें?
इसमें जैसे मैंने शुरू में कहा कि बड़ा तवाज़ुन है और जिसकी वजह से इसमें मुझे खूबसूरती नज़र आई। दो बातें ना, नावल निगार अगर सिर्फ नावल निगार हो जी तो वो नावल लिखता है, वो शायर भी हो जाए जी हल्का लग जाता है, तीसरा प्रोड्यूसर भी हो जाए जी जी, ड्रामा करने वाला, ड्रामा प्रोड्यूस करने वाला, दुरुस्त। इन तीन तड़कों के बाद अगर किताब अच्छी नहीं होगी तो फिर क्या होगी? इनको मेरा ख्याल है कि इन्होंने जिन जिन मराहल से गुजरे हैं, जो जो तजुर्बात इनको हासिल हुए हैं, उससे बड़ा इस्तफादा किया है। मसलन फ़नून लतीफ़ा से इनकी वाबस्तगी रही प्रोडक्शन साइड में, और इस इन्होंने जो किरदार चुने हैं वो बेशतर फ़नून लतीफ़ा से मुतालिक लोग हैं। तो एक वो हवाला इनकी हकीकत निगारी को बढ़ाने में बहुत हमें मदद देता है। दूसरा ये है कि इन्होंने जो उनके मकाल में लिखे हैं वो इतने जानदार हैं कि उनके ज़रिए से यानी आपको अंदाज़ा होता है कि किरदार किस नौईयत का है। अगर किरदार में फिर एक और ख़ूबी मुझे इनके किरदारों में नज़र आई कि कहीं अगर किरदार में कुछ मनफी रुझानात हैं तो उन मनफी रुझानात के हवाले से आपके दिल में उनके लिए नफ़रत या कराहत का जज्बा नहीं उभरता, बल्कि आप मैं कहता हूँ ये उनकी मोहब्बत का आकाश है, शख्सियत का इंसानियत है। इंसानियत से मोहब्बत का आकाश है कि एक मनफी किरदार है लेकिन आप उसके अंदर भी उसकी नफ्सियात उसकी तहलील करके उसको समझने की कोशिश करते हैं और आप उस आप कराहत उसके बारे में महसूस नहीं। भाई साहब मैं चंद लाइनें पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल हम आगे चलते हैं, आपसे भी हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। एक चैप्टर शुरू हो रहा है, जब से उस्ताद साजिद ने सेकंड हैंड कठारा मोटर खरीदी थी, हीरो के पाँव ज़मीन पर नहीं लगते थे, वो कभी पार्किंग में खड़ी कार पर कपड़ा रगड़ के उसे चमकाता, कभी उस्ताद साजन को किसी गीत के रिहर्सल में मसरूफ पाकर आहिस्तगी से खिसक जाता। ये ज़बान इन्होंने खुद गुफ्तगू करते इंतहाई शाइस्ता गुफ्तगू करते जी जी, शेर कहते हैं तो चुने हुए अल्फाज होते हैं, नाविल की जो ज़बान है वो ऐसे लगता है जैसे किरदारों की ज़बान बोल। नहीं, ये तो आपने जिस किरदार को चुना है उसी की ज़बान प्रोफेशन है, मैं यही अर्ज करूँ उसी के हवाले से ये बात, उन्होंने किरदारों से उसी तरह बिल्कुल इंसाफ किया। जी हाँ, जबकि इनकी इनका ये शख्सियत का हिस्सा नहीं है। ये तो जैसे मौका और महल हो उसके मुताबिक बात करते हैं। आप एक अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई शक, लोग आपको जानते हैं टीवी वाले। जब आप किसी ऐसे किरदार को लिख रहे हों को जो आपको खुद पसंद ना हो, कोई आपको सामने से बुरा भला कह रहा हो, जब खुद पसंद है लिखते हुए उस किरदार में कैसे डूबते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप डूबे हुए हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। जनाब शुजात अली राय साहब ने जिस हवाले से बात की मनफी किरदारों के हवाले से, देखें इंसान से खुदा कभी मायूस नहीं होता, ठीक है ना जी। मुझे एक उस्ताद का शेर याद आ रहा है, सलीम अहमद साहब का शेर है कि अच्छों को तो सब ही चाहते हैं, है कोई कि मैं बहुत बुरा हूँ। वाह 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 वाह। तो असल में इम्कानात इंसान के अंदर बेहतर होने के और संवरने के हमेशा मौजूद रहते हैं, वो एक हालात का बहाव होता है या जो भी सिलसिला होता है कि वो थोड़े से उसमें मनफी उसकी एक शनाख्त बन जाती है। तो अच्छा, फिर इसी हवाले से एक और बात मैं ये कहूँ कि इनके किरदारों में इर्तिका पजीरी है, यानी एक स्टैटिक या फ्लैट किस्म का किरदार ये हमें नहीं देते, उसमें तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं। तो हो सकता है कि वो बाद में किसी और सूरत में आपको नज़र आए। हमें तो पढ़ के पता लगे ना इसमें क्या, आपने तो लिखा है, आप पे तो गुजरी हैं, वो बहुत सी चाहते हैं, यानी बहुत से काम करने के बाद ये भी आपने काम किया, ये भी फुर्सत का काम है लेकिन आपने कर लिया। तो इस नावल को लिखने की वजूहात क्या है? क्या इसके पस मंज़र में कोई थीम है, कोई ख्याल है, या चलते फिरते किरदारों को उठाया? खुद ही बताइए। जी, मैंने अर्ज़ किया ना कि मैं तो नसर शायरी के साथ साथ, मुझे इब्तिदा में जब मैं अदब के मैदान में आया तो नसर का भी मुझे शौक़ था, लेकिन फिर वक्त न मिलने की वजह से मैं उस तरफ, जब मुझे वक्त मिला तो मैंने इसमें। वैसे एक बात जो आप कह रहे हैं, जैसे शुजात अली राय साहब ने भी फरमाया कि
किरदार जो हैं वो सामने के किरदार हैं, माशरे से लिए गए किरदार। मसलन देखें, इसमें मुख्तलिफ इंस्पिरेशंस काम कर रही हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक्या बताऊं कि मतलब ये एक किरदार का, एक नावल का प्लाट मुझे, मैं एक साहब के साथ बैठा हुआ था जो काफ़ी अच्छे मतलब कामयाब बिजनेसमैन थे और अब भी मतलब उनका बिज़नेस है, तो मैं उनके साथ गुफ्तगू कर रहा था, तो वो उन्होंने अपने उस ज़माने की गुफ्तगू छेड़ दी कि जब वो नौजवान थे और स्ट्रगल में थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरे तीन दोस्त थे, हम तीन दोस्त थे और हम एक फलां कैफ़ी, वो कैफ़ी भी हमने देखा हुआ है, हम भी उसमें बैठते रहे। तो एक ही शहर से, चूंकि हमारा ताल्लुक पेशावर से था, उनका भी था, वो अब आजकल इस्लामाबाद में फिर उस वक्त आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि हम तीनों इकट्ठे बैठते थे और ये वो कहानी, बहरहाल मुख्तसर मैं इस तरह करूँ कि वो जब स्ट्रगल में थे तो उन अभी उनके काफ़ी कामयाब बिजनेसमैन थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इतना कामयाब बिजनेसमैन हूँ। उन्होंने ये कहा, नाकामियों से शुरू नहीं, उन्होंने ये कहा कि मैं, मुझे फ़ख्र इस बात पर है कि उस वक्त मैं, मेरी शॉप पर एक साहब आते थे जो उनका एक दोस्त मुसव्विर भी था जो कि अभी मेकिंग में था, तो कहने लगे कि मैंने उस अपने मुसव्विर दोस्त की चंद पेंटिंग्स उन्हें दी और वो लंदन ले गए और वो लंदन में उनकी वो पेंटिंग्स जो हैं तो बड़े अच्छे उस पर फरोख्त हो गए कीमत पर वहाँ पर। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा देखो ये शख्स अपनी दौलत पे फ़ख्र नहीं कर रहा, अपनी इमारत पे फ़ख्र नहीं कर रहा, ये अपनी दोस्ती पर फ़ख्र कर रहा है। और उस वक्त वाक़े को इसने याद रखा कि जिसमें एक दोस्त के ये काम आया था। वाह। तो उससे मुतासर होकर मैंने अधूरी तस्वीर, मेरा जो नावल है वो मैंने लिखा। यानी किरदार आपके ख्याली नहीं है, माशरे से गिरी, बाकी तो फिक्शन आज आ जाती है उसमें जी। अच्छा, अगर आज मैं किसी, जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं वो इस किताब को पढ़ें तो क्या असरात मुरतब होंगे पढ़ने वाले पे? देखें जी, बात दरअसल ये है कि एक आजकल बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि जी किताब जो है उसका मतलब ये अहमियत ख़त्म हो गई है। मेरी ज़ाती राय ये है, पहली बात तो ये है, प्रोफेसर साहब बैठे हैं, कि किताब की अहमियत किसी तौर ख़त्म नहीं हो सकती कभी भी। उसकी वजह यह है कि देखें, जो हमारा जिस सोशल मीडिया पर हम बहुत तकिया कर रहे हैं उसमें अगर ज़रा सा भी बिजली चली जाए, ठीक है ना जी, तो वो एक ज़रूर एक बहुत इफादियत है, उसकी बहुत अहमियत है हमारे माशरे में, उसका एक बहुत मुस्बत किरदार है, उसने बिज़नेस को हर चीज़ में उसकी सपोर्ट है, लेकिन किताब का रिप्लेसमेंट मैं उसे नहीं समझता। काबिले भरोसा किताब है जो कि आपके पास सदियों से एक सिलसिला चला आ रहा है, और वो तो मेरा ख्याल है कि दोनों का एक हसीन इम्तिजाज हम रखें, लेकिन किताब की अहमियत अपनी जगह है। बहुत अच्छी। तो उस हवाले से आपने जो बात कही कि जी इस किताब में, तो किताब को अच्छा, लेकिन फिर जैसे राही साहब ने फरमाया कि इसमें मैसेजेस हैं, दोस्ती का मैसेज है, मोहब्बत का मैसेज है। कोई बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मनफी रस्ते पर कोई चल पड़े, मसलन इसमें एक किरदार है जो कि वो ख़ुद नहीं है गलत, लेकिन वो हालात ऐसे उसके बन जाते हैं जो मेरा पशेमा चाहते हैं, जो मेरा बुनियादी नावल है। तो उसमें ये है कि वो किरदार जो है, तो उसके लिए ये अलार्मिंग वो है कि भाई आपको एक बात, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, आप एक रस्ते पर आपको बहुत अगर टेम्पटेशन होती है, लेकिन फिर भी आप कुछ सोच समझ कर चलें कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी में बाद में कोई ऐसी मुश्किलात ना आए। हाँ, यहाँ बात काटते हुए माज़रत चाहूँगा कि इन्होंने जो इख्तिताम किया है इस पशेमान चाहते हैं वाले नावल का जी, वो पोएटिक जस्टिस पे है, मतलब किरदार के अंदर जो ख़राबी है उसकी सज़ा उसको बिलाखिर मिल जाती है, रहमदिली का बदल, और ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। एक सवाल आखिरी वक्त बहुत कम है यार साहब, मतलब मोहब्बत करने में पाबंदी तो नहीं है जी? आपने भी की है तभी तो लिखा है ना, तो हमारे जो नौजवान हैं उन्हें भी इजाज़त दीजिए कि जो उन्हें अच्छा लगता है उनसे मोहब्बत करें, तो वो गाइड मैप के तौर पर इस किताब को या गाइड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें एक डिप्टी नज़ीर अहमद ने दोशीज़ाओं से कहा था कि ये किताबें ना पढ़ें,
इस किताब की ये ख़ूबी आपको ये नज़र आएगी कि बावजूद के इसका फोकस रूमान है और पूरी रूमानवी आबादी में हमें बार बार वो ले जाते हैं, लेकिन इसमें बेहरा रहवी आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। इसलिए वो बहिश्ती जेवर जो लोगों को जहेज में दी जाती है, ये किताब भी जहेज में दी जा सकती है। अच्छा शकील साहब, मैं आपकी इजाज़त से आपके प्रोग्राम के हवाले से एक कतम है राय साहब की इजाज़त से, किताब के हवाले से, किताबों का इश्क ये इसका उन्वान है कि जितनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं आज भी हर शख्स मुब्तला है किताबों के सहर में, वो रेल हो के बस के हवाई जहाज हो, देखो जिसे वो गर्क है दानिश के बहर में। हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया जी साहब। देखिए मैं अपने नाज़रीन को फिर मुखातिब करूँ, राय साहब बहुत काबिल एहतराम, इन्होंने जिस नफासत से इस किताब की तारीफ़ की है, मेरा ख्याल उस किताब में उतनी ही नफासत होगी। किसी बड़े स्कॉलर का जुमला है कि मोहब्बत करने के लिए ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है कि मैं फ्राइड का है शायद, लोगों को नफरत करने का वक्त कब मिलता है। वाह, किताबें पढ़िए, मोहब्बत करना सीखिए, एहतराम करना सीखिए, किरदारों को महसूस कीजिए कि आपके इर्द गिर्द कैसे कैसे ज़िंदा लोग और ज़िंदा किरदार हैं, और वो सब आपको इस किताब से मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया शुजात अली राही साहब। इन्होंने मना कहते हैं मुझे प्रोफेसर डॉक्टर मत कहना, लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूँ प्रोफेसर शुजात अली राही साहब और अजीज एजाज साहब। अल्लाह आपको और ज़िंदगी दे, और हम अगली किसी किताब के मुंतज़िर रहेंगे कि हम कोई कामयाब चाहते भी आपकी दे।